एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है ब्लैंकेट वॉश। तो ब्लैंकेट वॉश करने वाली वीडियोस मैंने दो तीन पहले भी डाली हुई है, लेकिन वो हाथ से ब्लैंकेट धोए हुए हैं। लेकिन आज मैं मशीन से धोने वाली हूँ। मेरी मशीन है जो वो भी छोटी वाली है, और ब्लैंकेट है जो किंग साइज़ का डबल बेड का ब्लैंकेट है। तो उसे मैं कैसे धोती हूँ मशीन में, तो चलिए फ्रेंड। फ्रेंड्स, ये है हमारी ब्लैंकेट, और बहुत जो ज़्यादा वाली गंदी है वो नहीं है। एक बार पहले सर्दियों में इसे धो चुकी हूँ, अब इसको रख देना है बस धोने के बाद। और ये देखिए, ये मशीन में पानी भर दिया मैंने, तो बहुत ऊपर तक नहीं भर रही हूँ। अभी डाल दिया वॉशिंग पाउडर, तो इसी से धोना है ब्लैंकेट को। इजी वगैरह नहीं डाल रही, तो यही डाल रही हूँ। तो अभी जो ये ब्लैंकेट के कॉर्नर होते हैं, तो जो एक साइड तो काफ़ी चौड़ाई में होता है, दूसरी साइड में थोड़ा कम होता है, हाफ होता है, तो वही साइड से दोनों कोने पकड़ के, तो जो आधी ब्लैंकेट है वो इस साइड में डाल रही हूँ जहाँ पे कपड़े स्पिन करते हैं। तो वो इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब ये ब्लैंकेट आधी हमने मशीन में डालनी है, तो जब ये भारी हो जाएगी पानी के साथ, तो कहीं ये वाला भी हिस्सा उसके साथ ही ना खिंच जाए, इसलिए इसको इसके अंदर डाल दूँगी। तो फिर ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये मशीन छोटी है इसलिए। तो अभी जो दूसरा वाला हिस्सा है, तो उसे धीरे धीरे करके ऐसे कोने से पकड़ के, तो अभी ये मशीन में डाल देना है। तो मशीन अभी तक मैंने ऑन नहीं की है, तो मशीन अभी ऑफ ही है, तो इसे अच्छे से पहले डालने के बाद फिर मैं मशीन ऑन करूँगी। तो ये धीरे धीरे करके तो इसे पूरा भिगो देना है। तो बस अभी ये डल गया जितना डालना चाहते थे हम, आधा वाला। और अभी मैंने मशीन कर दी ऑन, तो देखिए कंबल आसानी से धुल रहा है जैसे हम नॉर्मली कपड़े धोते हैं, और जो वाला पार्ट बाहर है वो भी अपनी जगह पे है। तो ऐसे करके आराम से ये धुल जाएगा, और मशीन पे भी कोई लोड नहीं पड़ रहा। तो बस आप लोग भी ऐसे अगर धोना चाहते हो तो ध्यान रखो कि मशीन ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रही, कि आसानी से ऐसे घूम रही है मशीन, तो समझो सब ठीक है। तो ऐसे इजीली धुल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए, ये अभी हो गया, तो मैं ये पानी अभी ड्रेन कर दूंगी। और अभी इसको भर लूंगी फिर से साफ वाला पानी। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट तक ही इसको धोया, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, तो आसानी से साफ हो गया। और अभी मैं एक बार मशीन और चला रही हूँ, साथ साथ इसमें पानी जा रहा है, तो ताकि जो भी वॉशिंग पाउडर की झाग वगैरह हो वो सारी अच्छे से निकल जाए। तो अभी मैंने वो वाला पानी निकाल दिया था, तो फिर से ये एक बार पानी और भर दिया। तो ये देखिए, मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो मैंने फिर से ये वाला पानी फिर से निकाल दिया, और पानी साफ वाला फिर से भरा इसके अंदर। तो बस आप लोग भी ऐसे देख लो ना, तो कपड़े तो सभी धोते हैं, सबको पता होता कि अभी अच्छे से साफ़ हो गया पानी, झाग वगैरह नहीं आ रही पानी में से। तो अभी ब्लैंकेट जो सूखा था उसे मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब जो ये धुल गया तो इसे अभी इसके अंदर डाल देना है, और धीरे धीरे उठाएं, क्योंकि ये अभी भारी है कंबल, तो इसलिए धीरे धीरे उठाएं, तो आसानी से दूसरी साइड चला जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर करके इसको रखो आप, तो आसानी से हो जाता फिर। तो ये मैंने निकाल के रख दिया इस साइड। तो
अभी ये पानी सारा साफ़ है तो इसमें अभी वॉशिंग पाउडर डाल दिया, क्योंकि पहले वाला तो बचा नहीं है, वो मैंने सारा ड्रेन कर दिया था। तो ये देखिए अच्छे से झाग आ गई अभी, और अभी मैंने जो बचा हुआ ब्लैंकेट है जो धोने वाला, उसको भी धीरे धीरे करके डाल दिया इसके अंदर। तो फ्रेंड्स बस इसे भी उसी प्रोसेस के साथ धो लूँगी जैसे पहले वाला ब्लैंकेट का पार्ट हमने धोया। तो फ्रेंड्स अभी मैंने धीरे धीरे करके तो ब्लैंकेट सारा बाहर निकाल दिया है, जो रखा था दूसरे साइड में वो भी बाहर निकाल दिया और ऐसे लटका दिया ताकि जो पानी है इसमें एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो फिर इसे 15 मिनट के बाद मैं सुखाने के लिए डालूंगी, तो इजीली उठाया जा सकेगा। देखिए पानी सारा निकल रहा है बाहर। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए मैंने ब्लैंकेट को डाल दिया अभी सुखाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती ऐसे मशीन में। फ्रेंड्स ब्लैंकेट धो के डाल दिया, और ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।